बांदा जनपद के बवेरू तहसील सभागार में जिला स्तरीय समाधान दिवस आयोजित हुआ। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने समस्याओं की सुनवाई। बवेरू निवासी अर्जुन बाबा ने शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि बिसरा खेर में हिंदू देव स्थान के नाम से दर्ज है। दाता साई नाम का व्यक्ति ने हनुमान जी मूर्ति तुड़वा दी थी, जिसका मुकदमा दर्ज है, जो वहां अवैधानिक तरीके से कब्जा करके ईसाई मिशनरी का कार्य करता है। बिसरा खेर के देवस्थान से हटाए जाने एवं कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं तराया ग्राम की गरीब महिला सुशीला सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना के नाम में है। सचिव मुझ जैसे गरीब से 10,000 रुपए की मांग करते हैं, रुपए न देने पर आवास न देने की धमकी दिया है। वहीं भदेहदू निवासी पीसी पटेल ने आरोप लगाया कि बिसंडा ब्लॉक के गौशालों में गौवंश भूखों मर रहे हैं। अधिकारी पशु चिकित्सकों द्वारा बंदरबाज कर धन को डकारा जा रहा है। इस तरह एक सैकड़ा फरियादियों ने अपनी समस्याओं का दुखड़ा सुनाया। सिर्फ 3 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने विभागीय अधिकारियों को मौके में जाकर निस्तारण करने के आदेश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य और जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह, सीओ राकेश सिंह, अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बांदा से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। पीसी पटेल जनसेवक, किस प्रकार की समस्या लेके आ जाए हैं? समस्या देखिए बड़ी ही गंभीर है और सोचनीय है। जब रक्षक ही भक्षक बनने लग जाए तो अब मैं कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ये मुख्य समस्या बिसंडा ब्लॉक की है, जो नवांगत वीडियो महोदय है। पहली बात तो हफ्ते में एक आध दिन आती है, और कब आती है, कितने टाइम बैठती है, जनता को नहीं, जनप्रतिनिधियों को भी नहीं पता चलता, हम लोगों को भी नहीं पता चलता, आप लोग मीडिया वालों को भी नहीं पता चलता। इस समस्या को हमने रखा है। जैसा कि बिसंडा ब्लॉक अंतर्गत शासन के द्वारा कई टीमें गठित करके जांच भेजी गई, लेकिन सालों साल हो गए वीडियो महोदय ने अपने अंडर में रखे हैं, जांच नहीं करवा रही। बिसंडा ब्लॉक की गौशालाओं की बात करें तो जो धान आता है, पहली बात तो देरी से धान आवंटित किया जाता है कि मजबूर होकर के, परेशान होकर के ग्राम पंचायत सचिव प्रधान हम लोगों को कमीशन दे, तभी हम लोग उनको धनराशि देंगे। इस तरह की समस्याओं को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय से पूरी वार्ता हुई और हमने निवेदन किया है कि महोदया, पहली बात तो वीडियो महोदय को समय से बैठने के लिए कहिए कार्यालय में, जनता की समस्याएं सुने, और जो लंबित जाते हैं उनको पूर्ण करा करके जनता के निस्तारण कराए। जो गौशालाओं की बृहद समस्या है, गांव में आजकल आप देखेंगे तो स्वच्छता के नाम पर लाखों लाख रुपए बंदरबांट किए जा रहे हैं। ऐसे समस्याओं को लेकर हम लोगों ने दिए हैं प्रार्थना पत्र। वीडियो डीएम मैडम ने कहा कि मैं शीघ्र जांच कराऊंगी और दोषियों को बख्शूंगी नहीं। हम आशा और विश्वास करते हैं और आप सभी मीडिया वालों से भी आग्रह करते हैं कि खबर को जिस तरह से आप लोग बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इसलिए हम तहसील बवेरू आज समाधान दिवस में आए। हमारा गुड़िया कहाँ से आई है? मंठा। अच्छा, क्या समस्या थी आज तहसील दिवस में आई है? हम आए हैं कि हमारे जेठ के लड़के ने जबरन कब्जा कर लिया हमारी जमीन में, और वो चुपके से बेच लिया। अब तहसील आते हैं तो हमें थाना भिजवा रहे हैं, थाने जाते हैं तो तहसील भिजवा रहे हैं, और हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज कहाँ आई हैं? आज हम आए हैं तहसील दिवस में डीएम साहब के पास, डीएम को ज्ञापन देने आई हैं। हाँ, किस प्रकार की समस्याएं आई हैं? शासन की प्राथमिकता है कि तहसील दिवस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आम जन की समस्याओं का समाधान किया जाए, और इसी के लिए ये आज समाधान दिवस का आयोजन था। और इस आयोजन में भूमि संबंधी भी शिकायतें थी, पारिवारिक विवाद से संबंधित शिकायतें थी, नाली की भी शिकायत थी, आवास में कुछ लोग पात्र अपात्र किए गए हैं उसकी शिकायतें आई थी, और एक तालाब के संबंध में भी शिकायतें आई थी। तो 2-3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है, बाकी में टीम गठित की गई है, जांच आएगी, उसी हिसाब से जो भी आख्या प्राप्त होगी उस हिसाब से निस्तारण किया जाएगा।